सेकुलर ताकतों को मजबूत करना हमारी कौम जानती है और उसने पूरे एक तरफ आउटिंग की। और मैं ये जनता देखता हूँ कि हर समाज, मराठा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम हो और सिख समाज, हर समाज ने हमको इसमें वोट दिया है। वसंतराव चौहान जो जीते हैं, ये पहला प्रस्ताव नांदेड़ शहर अध्यक्ष के, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की जानिब से प्रस्ताव मैं रखा था प्रदेश कांग्रेस के सामने, नाना भाई पटेल के सामने, आमदार की चीज हो, MLC हो, हमारे नांदेड़ में अब तक नहीं मिली। हमारी बात नाना भाई से भी बात हुई और हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करिए, हमने MLC नेता विधानसभा एक सीट मांगी और इंशाल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिली। भाषण में की जो लोग जहनत रखने वाले थे, जो RSS की, BJP की जो जहनत रखने वाले थे, वो जाकर वहाँ जाके जम गए। आज अल्लाह के फजल से कांग्रेस साफ सुथरी हुई और एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है अपने को। वसंत चौहान भी एक सीधा सादा आदमी है, पास नहीं किए और नांदेड़ में अशोक चौहान को बता दी नांदेड़ की जनता ने, उन्हें बार बार जो बोलते थे कि मेरे नाम पे 7 बार आए, उनकी 7 बार आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नाम पे 7 बार आई थी, वो अशोक चौहान के नाम पे 7 बार नहीं थी। नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के वसंतराव चौहान ने BJP के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर को लगभग 50,000 वोटों से शिकस्त दे दी। कहा जा रहा था कि एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस के चंद ऐसे नेता थे जमीन से जुड़े हुए जिन्हें उम्मीद थी कि जनता उनके साथ है और बड़े बड़े नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसे ही लीडर हमारे साथ हैं जिन्हें उस वक्त भी और उन्हीं के कहने के मुताबिक, उन्हीं की अपेक्षा के मुताबिक ये रिजल्ट आए हैं। हमारे साथ माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब हैं जिन्होंने उस वक्त कहा था कि ये लगान की टीम है और यही टीम मैच को जीतेगी। हम उनसे जानते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह से लड़े गए जिसको लेकर जीत का मार्जिन जो है 50,000 तक गया। आज जिस तरह से लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, जो रिजल्ट आए हैं, अल्लाह के फजल से एक अच्छे नतीजे आए हैं। जिस तरह से 69,000 की लीड वसंतराव चौहान को कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार जीती जो जीत हुई है, मैं पहले पूरा सेवा जनता को देना चाहता हूँ कि नांदेड़ की जो जनता ने सही फैसला किया है, क्योंकि हर समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। जिस तरह से देख रहे हैं आप नांदेड़ का वातावरण कैसा था, जिस तरह से जो कुछ नेता जो कांग्रेस को बीच धार में छोड़ के चले गए थे, हम जितने भी हमारे कार्पोरेटर, हमारे पुराने साथी सभी थे, मिलकर हमने ये तय किए थे कि भाई नाना घोष को मिले थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाई पटेल को, सभी मिलकर हमने एक आवाज दिए थे कि भाई जिस तरह से हमारी कांग्रेस को जो डुबा के गए हैं, आप हमको मजबूत उम्मीदवार दीजिए और इंशाल्लाह हम जीत के लगे। बल्कि हमने मुंबई में 3 महीने पहले आश्वासन दिए थे और जिस तरह से ये उम्मीदवार वसंतराव चौहान जो जीते हैं, ये पहला प्रस्ताव नांदेड़ शहर अध्यक्ष के, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की जानिब से प्रस्ताव मैं रखा था प्रदेश कांग्रेस के सामने, नाना भाई पटेल के सामने, कि हमारे वसंतराव चौहान को उम्मीदवार दीजिए, इंशाल्लाह हम जीत के लाएंगे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से हम, हमारे मुस्लिम समाज एक तरफ आउट किया है और जिस तरह से हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और मैं खास करके हमारे उन्मा लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उन्होंने जिस तरह से बोले हैं लोगों को, कि लोगों को जागरूक किए कि 100% वोट करना चाहिए, वोट एक अमानत है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस विधान को, वोट अमानत है, उसका सही इस्तेमाल करो, बल्कि उन्होंने बताए थे और अल्लाह के फजल से हमारी कौम ने पूरा उसका सही इस्तेमाल की। और किसको ताकत देना, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना हमारी कौम जानती है और उसने पूरे एक तरफ आउटिंग की। और मैं ये जनता देखता हूँ कि हर समाज, मराठा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम हो और सिख समाज, हर समाज ने हमको इसमें वोट दिया है। इसमें एक सवाल यह है मेरा कि BJP के उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री जैसे बड़े बड़े चेहरों ने आके जो यहाँ पे प्रचार किया, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो कोई शेष नेतृत्व का चेहरा, जो बड़ा चेहरा नहीं आ सका था, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से नेताओं का, लीडरों का, कार्यकर्ताओं का मॉरल किस तरीके से आपने संभाला? और हम जैसे कि हमारी लगान की टीम, हम भाषण में बता रहे थे हमारी लगान की टीम, हमारे स्टार प्रचार बोले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाई पटेल थे और हमारे अमित देशमुख और हमारे खासदार इमरान प्रताप गढ़ी और चंद्रकांत हंडोले, ये हमारे 4 स्टार प्रचार थे। बाकी स्टार प्रचार में थे हमारी जो कार्यकर्ता, हमारी जमीन से जो जुड़ी वाली टीम है, हमारी जो पुरानी टीम है, हमारे मुस्लिम समाज की, हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, हमने उनको जोड़कर हमने काम किया है। हमने सब हमारे नाश्तफाई फैला दिए थे, जबकि 80 कारपोरेटर थे, पर उसमें हमारे साथ 35 कारपोरेटर थे, हमारे मुस्लिम पूरे कारपोरेटर एकजुट होकर वसंतराव को चुन के लाए, मुस्लिम कारपोरेटर हलेले, हालांकि उनको बहुत लालच दी गई थी। हमारे सभी साथियों ने मिलकर काम किया, हमारे साथी अल्ताफ सानी हमारे साथ में आए, हम देखे हैं कि अल्ताफ हो या पूरे साथ यहाँ,
हमारे मिलकर काम करे, शफी अहमद कुरैशी है या कोई और जितने भी हमारे पुराने साथी थे, हमने मिलकर काम किया। हमने तय करे थे कि भाजपा को अगर हराने का है तो कांग्रेस को मजबूती से अपने साथ में देना पड़ेगा। और देख रहे हैं आप इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे देखो ना जिस तरह से भाजपा की परिस्थिति है, 400 पार बोलते थे, हम जो बोलते थे तरी पार 200 पार अंदर नहीं है, बोलते आज वैसी है। इन्होंने जो अपना पैसे का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मीडिया का गलत इस्तेमाल कर आज इतने लेवल पे आए। जो हिटलर से ही बोलते हैं, वो हिटलर से ही मोदी, हिटलर से ही जो चलाते हैं, आज सही जीत तो जनता की। हमारे देखे आपने, हमारे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत की और उसका हमको फल मिला है। आज जिस तरह से कांग्रेस वापसी की है, कई नेताओं भी हमारे देखे आपने नांदेड़ के, देख रहे थे कि 25 साल कांग्रेस उठी ही नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं बोलती, कांग्रेस एक समंदर है, कांग्रेस एक अच्छे देखे हर समाज को लेकर चलती है। समाज में आने देख ली है, देश चलाना है तो कांग्रेस ही चला सकती है, जो कि 70 साल में विकास जो किए देख रहे हैं आज। हमारे पास मनमोहन सिंह सरकार थी, हमारे पास गुर्दा गद्दी में हमारे नांदेड़ का जो विकास हुआ, मनमोहन सरकार ने पैसा दिया था हमको गुर्दा गद्दी के परेड में, और वो गुर्दा गद्दी के परेड में घर कुल योजना हर योजना हमने देखे है। मैं भी महापौर मिले काम किया, अल्लाह के फजल से तुम्हारा भाई आज शहर अध्यक्ष बना है कांग्रेस का, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली कामयाबी कांग्रेस को मिली है। आगे भी इंशाल्लाह हमारे जो विधानसभा रंदो या महानगर पालिका रंदो, जिला परिषद में जिला परिषद रंदो, पंचायत समिति रंदो, हर चीज में हमारे वसंतराव चौहान हो या हमारी पूरी टीम मजबूती से कांग्रेस के साथ रही है और नाना बाबू के हाथ मजबूत करेंगे। इसमें एक सवाल यह है सेठ मेरा कि लगभग आजादी के बाद से और पिछले कई सालों से मुस्लिम माइनॉरिटी समाज जो है कांग्रेस का पारंपरिक समाज है, लेकिन ये गिला भी है पार्टी से कि खातिर ख्वाह जो है नुमाइंदगी का मौका इन्हें नहीं दिया गया। जिस तरीके से मुसलमान वोट देते हैं उन्हें उस तरीके से नुमाइंदगी नहीं मिली, लगातार सीटें भी कम हुई और कई अरसे से ये डिमांड है खुद नांदेड़ के भी लीडरान की, नांदेड़ के दानिश्वरान की, कि या तो MLC दी जाए या नुमाइंदगी का मौका दिया जाए असेंबली में। तो इसको लेकर आप पार्टी के सामने क्या बात रखेंगे? पार्टी के सामने तो हम बात रखेंगे, जिस तरह से हमारे 70 साल में हमारे कोई नांदेड़ प्रॉपर नांदेड़ को कोई हमारे नांदेड़ का प्रतिनिधि दिए नहीं इन्होंने, जिस तरह से यहाँ के परवरिश नेता लोग जो थे कि उन्होंने मुस्लिम को नजरअंदाज किया, मुस्लिम ने दलित को भी नजरअंदाज किया, उन्होंने इनको उन्होंने कहीं मुस्लिमों के ऊपर लिए नहीं। महानगर पालिका जो बोलते हैं हमने बहुत कुछ दिया, महानगर पालिका तो हमको हमारी जनता चुन गई थी, हम महानगर पालिका में पोस्ट मिलते हैं, बड़े लेवल पर जैसे आमदार की चीज हो, MLC हो, हमारे नांदेड़ में अब तक नहीं हुई। हमारी बात नाना बहुत से भी बात हुई और हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करिए, हमने MLC में तो विधानसभा एक सीट मिली है और इंशाल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिली है, क्योंकि आज जो नेतृत्व है नाना भाई पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है, देखे हम उनके करीब से मिला, उन्होंने जिस तरह से हमें साथ देते कार्यकर्ता को जो ताकत देते, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नांदेड़ में भी अपने एक मुस्लिम MLA रही MLC रहे लड़के रहे कुछ भी, अपन कांग्रेस ने देखे आज, कांग्रेस भी देखी कि कांग्रेस मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज अल्लाह के फजल से आज लोकसभा में 26 खासदार चुन के आए मुस्लिम, एक अच्छा मैसेज है और अच्छे दिन आने वाले जो थे। इससे पहले हमने भाषण में कि जो लोग जहनत रखने वाले थे, जो RSS की BJP की जो जहनत रखने वाले थे, वो जाकर वहां जाके जम गए। आज अल्लाह के फजल से कांग्रेस साफ सुथरी हुई और एक अच्छा नेतृत्व मिलाना है। अपने वसंत चौहान भी एक सीधा सादा आदमी है, कोई घमंड नहीं है और उन्होंने सबको साथ लेके चली। फिर ये बात थी कि अशोक चौहान साहब जो गए थे तो उनके जाने का जो है BJP को फायदा होगा, ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन अब जब परिणाम आए हैं और इस परिणाम को जो है एनालिसिस किया जा रहा है तो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि उनके जाने का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या उनका खुद का नुकसान हुआ, या उनका फैसला आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, जिस तरह से बताया कि हमारे माजी मिनिस्टर कमल किशोर कदम ने, आपने देखे हैं भाषणों में बताया कि भाई जो कांग्रेस को 70 साल में कांग्रेस जिनको बहुत कुछ दिए थे, पर जिस तरह से कमल किशोर कदम ने कहे कि भाई जिस तरह से इन्होंने जो धोखा दिया कांग्रेस को, जब इतने बड़े पोस्टों पे देने के बाद में भी जब कांग्रेस को बीच धार में छोड़ के जाते हैं, अल्लाह के फजल से हम जो बता रहे हैं कि हमको कांग्रेस को फायदा हुआ उनका जाने से, उल्टा BJP को इनको लेने से उनका लाश हुआ। जो जनता देखी है कि दल बदल नहीं है, वालों को बदल नहीं है, वो जो नारा था जो लाख भाजपा लोगों को ले रही थी, पर आप देख रहे नहीं थे कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र के जो नतीजे आए आप देख रहे हैं, 31 सीट महाविकास आघाड़ी चुन रहा है, किस मतलब पर आए कि लोगों नाराजगी है, तुम नई तरह से भ्रष्टाचार मिलते उसके बाद में तुम भाजपा में शामिल कर लेते,
लोगों बर्दाश्त नहीं किए और नांदेड़ में अशोक चौहान को बता दी नांदेड़ की जनता ने, उन्होंने बार बार जो बोलते थे कि मेरे नाम पे सात बार आए, उनकी सात बार आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नाम पे सात बार आई थी वो, अशोक चौहान के नाम पे सात बार नहीं थी, वो कांग्रेस के नाम पे थी, वो वापिस वही परंपरा नांदेड़ की जनता ने कायम रखी। अल्लाह इंडिया जो अलायंस बना है, दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है, इसी हमको उम्मीद है। जितने भी लोगों ने जो दिल से काम किए, हमारी जनता ने दुआएं भी दी और वोट भी दिए, मैं सब जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दो लफ्ज खत्म करता हूँ, खुदा हाफिज। तो ये माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब थे जिन्होंने इस इलेक्शन के इंतखाबात के नतीजे पर अपनी बात रखी।